मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को काल पढ़ाऊंगी। काल मीन्स होता है समय। किसी भी कार्य को करने के जो समय की जानकारी हमें देता है उसे ही काल कहते हैं। यहाँ पे हम उसकी परिभाषा को देखेंगे, किसी कार्य के समय की स्थिति को काल कहते हैं। यानी कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसके समय की जानकारी जहाँ पे हमें प्राप्त होती है उसे ही काल कहते हैं। काल जो है तीन प्रकार के होते हैं, उसके तीन भेद को बताया गया है, वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल चल रहे समय, जो ये समय चल रहा है, जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, समय चल रहा है, ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वैभव किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वैभव किताब पढ़ रहा है, अभी इस समय क्या कर रहा है, वो कार्य को कर रहा है। राधा गाना गा रही है, यहाँ पे राधा गाना गा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस समय वो राधा का जो कार्य, गाना गाने का कार्य है वो हो रहा है, इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल, भूतकाल बीते हुए समय की जानकारी हमें मिलती है, यानी जो समय बीत चुका है उसकी जानकारी हमें मिलती है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। राम ने रावण को मारा था, ये क्या है, बहुत समय पहले ये कार्य हो चुका है, इसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। कृष्ण ने कंस को मारा था, कृष्ण जो थे वो बहुत समय, बहुत साल हो गया जो उन्होंने कंस को मारा था, तो यहाँ पे जो कार्य, जो मारा जो कार्य था वो बहुत समय पहले हो चुका है। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता उस कार्य से कि ये कार्य जो है बहुत पहले हो चुका है। भविष्य काल, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे सतीस नदी में नहाएगा, और यहाँ पे है सतीस के बारे में, यहाँ आपके बुक में उदाहरण दिया है कि वो क्या करेगा, भविष्य में आने वाला जो समय होगा उसमें क्या करेगा, किसान खेत जोतेंगे, किसान खेत क्या करेंगे, जोतेंगे, या आने वाले समय में जो है ये कार्य होगा। जैसे अभी क्या कर रहा का COVID-19 चल रहा है, और इस समय क्या है, वर्तमान काल में ये समय चल रहा है, और लॉकडाउन जो था वो अब बीत चुका है, और शायद अब भविष्य काल में क्या होगा, हमारा स्कूल खुल सकता है, ये क्या होगा, भविष्य की सब बातें हैं। और आगे हम लोग प्रेयर करते हैं कि भविष्य में जल्दी से जल्दी हमारा स्कूल खुल जाए। धन्यवाद।